लेते हैं अब अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि लगातार बदमाशों के हौसले राजस्थान के अंदर बुलंद होते हुए जा रहे हैं। तो वहीं चिड़ावा के अंदर एक व्यापारी को जान से मारने और उसके गोदाम के अंदर आग लगाने की धमकी भी दे दी गई, और वहीं इसी के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी जा रही है। साथ ही साथ इस पूरी वारदात को पुलिस को बता दिया गया है और पुलिस इस मामले में अब जुट चुकी है। तो हाल फिलहाल अभी इस मामले के अंतर्गत क्या कुछ अपडेट चल रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। व्यापारी को जान से मारने और गोदाम में आग लगाने की धमकी देकर के 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले हार्डकोर बदमाश नीरज उर्फ गणेश को चिड़ावा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिड़ावा SHO भगवान साय मीणा ने बताया कि परमहंस कॉलोनी कोड रोड चिड़ावा निवासी पीड़ित श्याम सुंदर गोयल ने 3 सितंबर को चिड़ावा थाने में एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी और छोटे भाई की चप्पल जूतों की दुकान है। श्याम होजरी नाम से 2 दुकानें पुरानी तहसील रोड पर स्थित हैं। तो वहीं दोनों दुकानों पर वह खुद और उसका पुत्र और छोटा भाई और उसके पुत्र बैठ करके व्यापार करते हैं। श्याम सुंदर गोयल ने बताया कि करीब 8 साल पहले चिड़ावा निवासी नीरज उर्फ गणेश नाम का युवक उनकी दुकान पर काम करता था। 3-4 साल पहले नीरज ने उसके पुत्र नरेंद्र गोयल की मोटरसाइकिल चोरी कर ली थी। वहीं नरेंद्र गोयल ने कोर्ट से उसे छुड़ाया था और उसके बाद से ही नीरज नरेंद्र गोयल से बदला लेने के लिए मौका तलाश रहा था। श्याम सुंदर गोयल ने शिकायत में बताया कि नीरज पिछले 1 महीने से लगातार उनके बेटे नरेंद्र गोयल को जान से मारने की धमकी देकर के 5 लाख की रंगदारी मांग रहा था। नीरज धमकियां देकर कहता है कि उसके संपर्क में हरियाणा के रुपए लूटने वाले और रंगदारी वसूलने वाली गैंग से हैं। नीरज ने नरेंद्र गोयल को धमकाते हुए कहा कि पैसे नहीं दिए तो वह उसे गोली मरवा देगा और दुकान गोदाम में आग लगवा देगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।